नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में ढेर सारे कमेंट किए थे सर कि ASI में जो टाइपिंग होगा उसका फॉन्ट क्या होगा, किस किस में किस वाले पद में आपका दोनों टाइपिंग होगा, किस में सिंगल होगा, स्टेनो में क्या होगा, मिस्टेक क्या होते हैं, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपने सवाल जो है कमेंट करिएगा। तो चलिए टाइपिंग फॉन्ट के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि आपका ASI में टाइपिंग फॉन्ट क्या होगा। तो वो ध्यान दीजिए कि टाइपिंग फॉन्ट जो होगा आपका वो मंगल इंस्क्रिप्ट होगा। क्या होगा? मंगल का फॉन्ट होगा, इंस्क्रिप्ट यूनिकोड यही आपका चलता है। तो मंगल इंस्क्रिप्ट में आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए जिनके भी सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो, और रिस्पॉन्स की आने के बाद तो बाकी 100% पता चल जाएगा। वैसे आप लोग स्टार्ट कर दें। जो पहला पोस्ट था गोपनीय ASI वाला, उसमें आपका जो बोला जाए टाइपिंग होगा, पहला तो उसमें टाइपिंग भी होगा और स्टेनो भी होगा। तो उसके टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों होगी और इन दोनों टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का समय मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये 25 वर्ड पर मिनट होगा, 15 मिनट में आपको टाइप करना होगा हिंदी वाली, और इंग्लिश जो होगा वो 30 वर्ड पर मिनट होगा, वो भी 15 मिनट में ही टाइप करना होता है। आपको दोनों के अलग अलग पैसेज मिलेंगे। हिंदी का 400 वर्ड का पैसेज मिलेगा और इंग्लिश का 500 वर्ड का पैसेज मिलेगा। अब ये नहीं कि पूरा पैसेज करना है आपको, ठीक है, आपको गिवेन टाइम में आप जितना कर ले जाओगे उसमें से आपकी गलतियां जो होंगी वो हटाने के बाद आपकी स्पीड काउंट होगी। अगर आपकी स्पीड 25 वर्ड आ गई तो आप सेलेक्ट हो, नहीं आई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और साथ ही साथ आपकी जो गलतियां होनी चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। मतलब एक्यूरेसी आपका जो भी टाइपिंग का होगा वो 85% होना चाहिए। जो एक्यूरेसी होगी टाइपिंग की वो 85% जरूरी है। अगर 85% एक्यूरेसी नहीं है तभी भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा जो चरण होगा इसमें वो हिंदी स्टेनो का होगा। इसमें आपको क्या किया जाएगा कि बोल के हिंदी का पैसेज जो है आपसे बोला जाएगा और आपको उसको स्टेनो में आंसू लिपि में डिकोड करना होगा। डिक्टेशन होगा 400 वर्ड का, 5 मिनट में आपको उसको कोड करना होगा लैंग्वेज में, आंसू लिपि में। उसके बाद से ये आप 80 वर्ड पर मिनट तभी आपका आएगा अगर 400 वर्ड 5 मिनट में आप लिख ले जाते हैं। जब लिख लेंगे तो उसको रिव्यू करने का 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद से उसको हिंदी में फिर टाइप करना होगा आपको उसी यूनिक कोड में, 40 मिनट का समय मिलेगा आपको। जो भी आपको पैसेज मिला है उसको आंसू लिपि में कन्वर्ट करोगे, फिर ये सबसे टफ टास्क है। उसके बाद से फिर से उसको क्या करोगे, हिंदी में टाइप करके कि वही पैसेज आपको एग्जामिनर फिर चेक करेगा आपका। अगर सेकेंड पोस्ट की बात करें तो वो है आपका मिनिस्टीरियल ASI वाला। इसमें भी टाइपिंग सेम होगी, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट होगा, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट होगा, 15 15 मिनट इसका भी समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सेम चीजें हैं। आपका जो हिंदी का पैसेज 400 वर्ड का होगा, इंग्लिश का पैसेज 500 वर्ड का है। एक्यूरेसी मायने रखता है कि आपको एक्यूरेसी जो है वो 85% का बना के रखना है। अगर आप 85% से कम एक्यूरेसी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपकी जो भी स्पीड काउंट होगी वो आपके एरर के बाद, जो भी गलतियां करेंगे उसके बाद आपकी स्पीड काउंट होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो कीबोर्ड बोलते हैं कई लोग कि सर क्या हम अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं, नहीं, संस्था आपको प्रोवाइड कराएगी उसी कीबोर्ड पे आप टाइप कर सकते हो, अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाना है आपको। साथ ही साथ लेखा वाले की बात कर लेते हैं। लेखा अकाउंटेंट वाला जो पोस्ट है इसमें काफी बच्चों के क्वेरी थी कि सर इसमें दोनों टाइपिंग होगी, नहीं, इसमें सिंगल टाइपिंग होगी। अगर आपने प्रेफरेंस लेखा का डाला है तो इसमें सिंगल टाइपिंग होगी हिंदी में 15 वर्ड पर मिनट। अब ऐसा नहीं है, कई बच्चों ने लेखा का पहला प्रेफरेंस डाला होगा जो कॉमर्स के होंगे, दूसरा मिनिस्ट्रियल डाला होगा, तीसरा कॉन्फिडेंशियल डाला होगा, तो उनका सब होगा क्योंकि आपने प्रेफरेंस तो डाला ही डाला है। एटलीस्ट जिसने सिर्फ एक प्रेफरेंस के अलावा और कोई नहीं डाला है उसमें उसकी उस हिसाब से टाइपिंग होगी। मान लीजिए मैं कॉमर्स का बंदा हूं और मैंने सिर्फ अकाउंटेंट वाली पोस्ट ही प्रेफरेंस में डाली है तो मेरा सिर्फ ये 15 वर्ड पर मिनट के लिए 15 मिनट की टाइपिंग होगी, सबसे आसान है, हिंदी की टाइपिंग होगी, इसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं होगी, इसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिए आप, समझ गए। लेकिन अगर सभी प्रेफरेंस डाला है तो आपके सभी टाइपिंग होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। पैसेज जो लेंथ होगा इसमें हिंदी का वो 300 वर्ड का होगा,
एक्यूरेसी आपको 85% मैनेज करना ही करना है टाइपिंग में, ये ध्यान रखना है। अगर 85% से कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्टेनो में अगर आप 20 मिस्टेक से ज़्यादा करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये आपके कुछ जो हैं टाइपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप सभी लोग ये ध्यान रखो कि टाइपिंग स्पीड पे ज़्यादा वर्क करो, अपने देखते रहो कि कितना एरर हो रहा है, कितनी परसेंट एक्यूरेसी है आपकी, वो आप ऑनलाइन कई सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं, ठीक है, इंडिया टाइपिंग टूल्स होता है, उस पर आप टाइप करके देख सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उस क्वेरी को आपके प्रश्न का जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।